दोस्तों, WHO की तरफ से एक बहुत ही मिस्टीरियस अनाउंसमेंट आई है। उन्होंने कहा है कि सभी कंट्रीज को अब न्यूक्लियर विस्फोट के लिए तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। यहाँ पे न्यूक्लियर विस्फोट बोला है मैंने। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे अचानक से WHO ऐसे स्टेटमेंट क्यों दे रहा है। अभी तक तो बोल रहे थे कि WHO स्टेटमेंट दे रहा है कि पैंडेमिक हो रहा है। WHO बोल रहा है कि COVID-19 फैल सकता है। WHO बोल रहा है कि मंकी पॉक्स वायरस फैल सकता है। और अब अचानक से WHO बोल रहा है कि न्यूक्लियर विस्फोट की तैयारियां शुरू कर लो। न्यूक्लियर विस्फोट है, कोई सुतली बॉम्ब नहीं है, कोई ये मुर्गा छाप नहीं है, बल्कि न्यूक्लियर की तैयारियां शुरू कर लो। और साथ में सभी कंट्रीज को अर्ज कर रहा है कि उन मेडिसिन की स्टॉक पाइलिंग शुरू कर दो जो प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। किस चीज का प्रिवेंशन? जो न्यूक्लियर के दौरान रेडिएशन रिलीज होती है उसे प्रिवेंट करने के लिए WHO ने एक लिस्ट ऑफ मेडिसिन निकाली है और सभी कंट्रीज को अर्ज कर रहा है कि उसकी स्टॉक पाइलिंग आप शुरू कर दो। अब आखिर WHO ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों रिलीज करा है? क्योंकि WHO का जो दोस्त है यूरोपियन यूनियन, उसने हाल ही में एक वार्निंग इश्यू करी है। उसने बोला है कि पुतिन जो है वो किसी भी समय हम पर न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं, वेस्ट पर और नेटो अलाइज पर। और साथ ही उन्होंने बोला है कि हम कोई लोगों को डरा नहीं रहे, बल्कि ये जो न्यूक्लियर विस्फोट का जो हमले का जो खतरा है वो हम सबके सर पर मंडरा रहा है। उसके बाद WHO ने ऐसी एडवाइजरी इशू करी है। और ये जो टैबलेट्स की लिस्ट उन्होंने निकाली है, उसमें एक टैबलेट होती है पोटेशियम आयोडाइड। उस टैबलेट के बारे में CDC और FDA का कहना है कि जब भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 ये रिलीज होता है हवा में। तो अब अगर आपने पोटेशियम आयोडाइड की टैबलेट खा ली है तो आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है वो सैचुरेट हो जाता है आयोडीन से। वो जो टैबलेट खाई है उसमें जो आयोडीन रिलीज हो रहा है उससे आपका थायराइड ग्लैंड पूरा भर जाता है। तो अब हवा में जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है वो आपकी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पाती है, उसमें क्षमता नहीं होती उतनी। तो इसलिए ये पोटेशियम आयोडाइड की टैबलेट्स आप प्रिवेंशन के लिए खा लो 24 घंटे पहले किसी भी न्यूक्लियर विस्फोट से। ऐसा CDC और FDA का मानना है। और यही एडवाइजरी CDC और FDA ने 8 महीने पहले, जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, उस समय पर पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस को हाई अलर्ट पे डाल दिया था। तब CDC और FDA ने यही एडवाइजरी इशू करी थी कि भाई देखो, न्यूक्लियर हमला हो सकता है तो पोटेशियम आयोडाइड की टैबलेट सब लोग अपने घर पे ऑलरेडी रख लो, स्टॉक पाइल करके रख लो। और आप जानते हैं उस समय पर क्या हाल हुआ था? लाइने की लाइने लग गई थी शॉप्स पर, फार्मेसी शॉप्स पर। USA और यूरोप में इतनी ज्यादा एक्सट्रीम पैनिक बाइंग हुई थी पोटेशियम आयोडाइड की टैबलेट्स की कि आपको सुनके भी हैरानी होगी कि ब्रजल्स टाइम जो है उसमें यह आर्टिकल छपा था कि बेल्जियम में 30,000 रेजिडेंट्स वहां के भागे थे फार्मेसी शॉप्स पर इस पोटेशियम आयोडाइड की टैबलेट्स को खरीदने के लिए। और इनफैक्ट जो ये टैबलेट्स है उनका असल में प्राइस होता है $14 14 टैबलेट्स। लेकिन उस समय पर जब ये एडवाइजरी जारी की गई तो $1,000 में सिर्फ 5 टैबलेट्स भी बेची गई हैं ईबे पर। इतना बुरा हाल मचा था, लंबी लंबी क्यूज लग गई थी USA और यूरोप में इस टैबलेट के लिए। और यहाँ तक कि एनबिक्स जो कंपनी है उसका कहना है कि ये जो टैबलेट्स है कि जितना स्टॉक वो 6 महीने में बेचते थे इस टैबलेट का, केवल 5 दिन में ही उतना सारा स्टॉक उन्होंने बेच दिया था। तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे CDC और FDA की एक एडवाइजरी से कुछ कंपनीज को प्रॉफिट पहुंचता है। और इस बार जो स्टेटमेंट आई है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो सकता है, ये स्टेटमेंट डायरेक्टली WHO की तरफ से आई है। आपको क्या लगता है कि WHO का ये जो स्टेटमेंट है ये केवल फियर मॉन्गरिंग है या फिर कुछ पर्टिकुलर कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए स्टेटमेंट दिया गया है या फिर कुछ ग्रुप ऑफ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए स्टेटमेंट दिया गया है? और ये भी समझिए कि ये जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बातें चल रही है, इससे बचने के लिए पिछले 2 साल से एलिट्स जो है वो लगातार अंडरग्राउंड बंकर्स खरीदते जा रहे हैं। बहुत एक्सट्रीम राइज आया है किस चीज में? बाइंग ऑफ अंडरग्राउंड बंकर्स। अंडरग्राउंड बंकर्स यानी जमीन के 20 फीट नीचे घर बने हुए हैं और उनमें सभी फैसिलिटीज मौजूद होती है। मतलब वहां पे फुल इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, ऑनलाइन स्कूल, स्विमिंग पूल, बार, सारी फैसिलिटीज मौजूद है। 6 महीने का खाने का स्टॉक मौजूद है। फिनलैंड्स बंकर्स हैव एवरीथिंग यू कैन पॉसिबली वांट। अ फ्लोरबॉल पिच, अ जिम, अ कैफेटेरिया, अ कार पार्क एंड इवन अ चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड। ये जो बंकर्स है ये करीब $2 मिलियन $3 मिलियन के सस्ते वाले बिक रहे हैं
और जो महंगे वाले होते हैं वो $20 million के बिक रहे हैं, और एक्सट्रीमली इंक्रीज हो गई है इनकी बाइंग पिछले 2 सालों से। तो एक तरफ एलिट्स जो है वो इन अंडरग्राउंड बंकर्स को खरीदते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ WHO की ऐसी एडवाइजरी इशू करना। अब नेक्स्ट आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिए दोस्तों, देखो इस युग में जिन लोगों का काम है हमें बचाना, जिन लोगों का काम है ये इंश्योर करना कि लड़ाइयां ना हो, उन लोगों को प्रॉफिट ही तब हो रहा है जब लड़ाइयां हो रही है, जब वॉर हो रहे हैं। ये एक बहुत ही अजीब बात है, और इसी को कहा जाता है वॉर प्रॉफिटेरिंग। आप USA के उदाहरण से समझिए, USA में जो वहां के 18 पार्लियामेंटेरियंस हैं, यहाँ पे सिर्फ 18 का डेटा बता रहे हैं वरना बहुत ज्यादा 51 कांग्रेसमैन है अप्रोक्स, लेकिन 18 पार्लियामेंटेरियंस जो है वो 7,060,000 डॉलर वर्थ ऑफ स्टॉक्स होल्ड करते हैं लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी में। लॉकहीड मार्टिन जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, उसमें इतने ज्यादा स्टॉक्स होल्ड करते हैं ये पार्लियामेंटेरियंस। अब पार्लियामेंटेरियंस का काम क्या है? पीस इंश्योर करना, ये इंश्योर करना कि लड़ाई ना हो, लेकिन प्रॉफिट कब हो रहा है? जब लड़ाई हो। तो यही विडंबना है इस समय। या आपके सामने उन सारे सेनेटर्स की जो कांग्रेसमैन है, यानी कि उन्हें USA में कांग्रेसमैन कहा जाता है जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, ये लिस्ट आपके सामने है कि कितने ज्यादा स्टॉक्स वो होल्ड करते हैं इन डिफेंस कंपनीज में USA की। और ये एक और ग्राफ आप देखिए कि जो मेजर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स है USA के, उनमें ये कांग्रेसमैन कितने ज्यादा शेयर्स होल्ड करते हैं। आप इससे पूरा अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ लोग जिन्हें प्रॉफिट ही तब होता है जब जब वॉर होता है। और ठीक ऐसा ही हुआ था 3 जनवरी 2020 को, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर करा था असैसिनेशन कसीम सुलेमानी का। कसीम सुलेमानी जो है वो ईरान के मिलिट्री ऑफिसर थे, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे वो, और 2005 में USA ने उन्हें टेररिस्ट घोषित कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही उनका असैसिनेशन ऑर्डर करा, ठीक उसके अगले दिन जो वहां के कांग्रेसमैन थे उनके पोर्टफोलियोज एकदम से शार्प इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे शेयर्स होल्ड कर रखे थे लॉकहीड मार्टिन और रेथियो नाम की कंपनीज में, ये डिफेंस कंपनीज में। और अगले ही दिन ये जो कंपनीज हैं इनके स्टॉक्स राइज हो गए थे 2.4%, तो उनके पोर्टफोलियोज राइज हो गए। जहां वॉर हुआ, जहां हथियार की ज्यादा बिक्री हुई, वहीं पर आप देख सकते हो कि इन कंपनीज के शेयर्स राइज हो गए। और वहीं पर जो पार्लियामेंटेरियंस इन कंपनीज में अपने स्टॉक होल्ड करके बैठे हुए हैं, उनके पोर्टफोलियोस राइज हो जा रहे हैं। कि जहां एक तरफ वो तेजी से न्यूक्लियर बंकर्स खरीदते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जिन्हें वॉर से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। ये बस 2 उदाहरण हमने आपको बताए हैं, ये रिसर्च आपने देखी है। और वहीं WHO ऐसा अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की तैयारियां शुरू कर लो। आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि ये जो WHO स्टेटमेंट्स दे रहा है ये सिर्फ फियर मॉन्गरिंग है, ये सिर्फ आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए स्टेटमेंट्स दी जा रही है कि हम लोग TV पे जाके चिपक जाएं और न्यूक्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है इस डर में बैठे रहे, और जो बाकी असली मुद्दे हैं उनसे हम अपना ध्यान हटा लें इसलिए ये स्टेटमेंट्स दी जा रही है, या फिर कुछ कंपनीज को, कुछ लोगों को फायदा पहुंच सके इसलिए ऐसी स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, या फिर हम लोगों के पीठ पीछे कुछ बहुत ही बड़ी प्लानिंग चल रही है, बहुत ही बड़ा कुछ आने वाला है और वो हमसे छुपाया जा रहा है। आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके बताओ, क्योंकि आपके कमेंट्स हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, जो साथी सब्सक्राइबर्स हैं वो आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, और हम लोग एज अ कम्युनिटी ग्रो हो पाते हैं, एज अ कम्युनिटी हम इस पर और ज्यादा डिस्कस कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। आत्मा नमस्ते।